हे गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है विंटर सेल्फ केयर के बारे में। बेसिकली मैं यहाँ पर हेयर केयर, स्किन केयर, बॉडी केयर दिखाने वाली हूँ जो भी विंटर्स में इम्पोर्टेंट होता है। एज यू ऑल नो कि जो विंटर्स में हमारी स्किन होती है, बॉडी होती है, बहुत ज्यादा ड्राई होने लगती है, तो हमें बहुत सारे मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है। तो मेनली यहाँ पर मैं जो भी चीजें अपने ऊपर ट्राई करने वाली हूँ, लाइक बॉडी केयर के लिए या स्किन केयर के लिए या हेयर केयर के लिए, वो छोटे छोटे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेस सेविंग से। तो और मुझे काफी दिन हो भी गया था फेस सेव किए हुए, और मैं जल्दी करती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद है उतना फेस सेव करना। बट जब कहीं मुझे कहीं जाना होता है, किसी फंक्शन में या किसी भी कहीं भी ओकेशन पे, तभी मैं करती हूँ, अदरवाइज मैं अवॉइड ही करती हूँ फेस सेव करना। तो मैं आईब्रोज को छोड़ के बाकी सब सेव करूंगी क्योंकि मुझे डर लगता है आईब्रोज को सेव करने में। पता चला अगर कहीं कट लगा तो पूरा फेस ही खराब हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल यूज करने वाली हूँ। आप चाहे तो फेस ऑयल वगैरह भी यूज कर सकते हैं। जो भी चीजें आप ट्राई आउट करते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही जेंटली आपको भी करना है ताकि कट ना लगे। सो आई एम डन विद फेस सेविंग। अब यहाँ पर बॉडी हेयर्स के लिए मैं यूज करती हूँ रेजर। उसके साथ आप चाहे तो कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं या कोई शावर जेल, उसमें झाग बनाकर आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत इजी हो जाता है और बहुत जल्दी इजिली ग्लाइड ऑन हो जाता है। तो इसके लिए ये यहाँ पर सबसे इजीएस्ट ऑप्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट है ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के लिए। तो मेरे पास चारकोल पील ऑफ मास्क खत्म हो गया था, तो मैं यहाँ पर नोज स्ट्रिप यूज कर रही हूँ। तो इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बट आप इसे स्टिक करने के पहले अपने नोज पे वाटर थोड़ा लगा लीजिएगा, बिना वाटर के ये स्टिक नहीं होगा। इससे जितने भी ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हैं सब निकल कर बाहर आ जाते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद इसे आपको कुछ देर तक छोड़ देना है, 5 से 7 मिनट तक के लिए। एज यू कैन सी मैं इसे निकाल रही हूँ, इसका रिजल्ट मैं आपको भी दिखा देती हूँ कैसा आया है। एज यू कैन सी आपको व्हाइट हेड्स तो दिख रहे हैं बट ब्लैक हेड्स में भी ना दिखे, काफी हद तक रिमूव हुए हैं। उसके बाद नॉर्मल पानी से फेस को वॉश ऑफ करेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लींस करके बैठी थी। तो मैं यहाँ पर टोनर यूज कर रही हूँ, ये गुड वाइब्स का टोनर है, राइस वाला टोनर। तो ये फटाफट से मैं अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस पर ताकि फेस एकदम क्लीन और फ्रेश फील हो। अब देन उसके बाद मैं पूरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूंगी। फेस सेविंग के टाइम पे जो है कि मैं अपना नॉर्मल मॉइस्चराइजर ही यूज करती हूँ। उसके बाद मैं कोई भी स्किन केयर या प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूँ ताकि कोई भी रेडनेस या कोई भी दिक्कत मेरे फेस पर ना हो। हाँ, सनस्क्रीन जो है वो मैं अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ मॉइस्चराइजर ही यूज कर रही हूँ ताकि स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। तो मैं ये जॉय का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। देन उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन है फॉर लिप बाम। मेरे पास ये गुड वाइब्स का कोकोनट लिप बाम है और ये बोरोलिन का है। तो इसमें से मैं ये बोरोलिन वाला ही फिलहाल के लिए मैं यूज कर रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बहुत जरूरी है, विच इज बेसिकली सनस्क्रीन। जैसा की आपने देखा था, मैंने काफी सारा मॉइस्चराइजर लगा लिया था। विंटर्स में स्पेशली मसाज करो तो फेस का तो अलग ही बहुत ही अच्छा ग्लो नजर आ जाता है। ये ऑलरेडी इतना ठंडा हो रहा होता है और आप मसाज करते हैं तो ऑलरेडी लाइक आपका फेस एकदम रेड हो जाएगा, ब्लशी ब्लशी सा हो जाएगा। नेचुरल ब्लश जो है ना वो नजर आने लग जाता है आपके फेस पर। मुझे ये अच्छे से तो नहीं आता है फेस मसाज करना, बट हाँ जितना भी आता है वो दिखा रही हूँ। इस तरीके से मैं करती हूँ और एकदम से ना फेस लिफ्ट भी हो जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ सनस्क्रीन। डर्मा का सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ, तो काफी अच्छा सनस्क्रीन है ये। मैं यहाँ पर 2 फिंगर रूल से सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मी में ही सनस्क्रीन आप यूज करो, सर्दियों में भी अप्लाई करना है और फेस के साथ साथ नेक पर भी अप्लाई करना है, भूलना नहीं है कुछ भी रीजन हो। हमारे स्कैल्प बहुत ज्यादा फ्लैकी और ड्राई हो जाती है, कॉम्ब करने से ड्राइनेस चली जाती है, तो आप ऑयलिंग वगैरह करते रहो। यहाँ पर मैं ऑयलिंग तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज ही मैंने हेड वॉश किया था, इसलिए मैं नॉर्मल आपको कॉम्ब करके दिखा रही हूँ। वुडन कॉम्ब मैं यूज कर रही हूँ, इससे हेयर ग्रोथ भी बूस्ट होती है, साथ ही साथ में हेयर फॉल के चांसेस भी कम हो जाते। एक्स्ट्रा शाइन के लिए आप हेयर सीरम यूज कर सकते, तो मैं शाइन के लिए एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। एज यू कैन सी एकदम से इंस्टेंट आपको शाइन जो है नजर आने लगी होगी मेरे हेयर्स। सीरम आपके हेयर्स पे इंस्टेंट शाइन प्रोवाइड करता है, तो सीरम एक्स्ट्रा शाइन के लिए आप जरूर अप्लाई करें आफ्टर शैम्पू एंड कंडीशनर। तो हमारा ये छोटा सा हेयर केयर मैंने आपको दिखा दिया है। देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सीधे बॉडी केयर की तरफ। बॉडी
केयर में मैंने बॉडी हेयर्स निकलवा लिए थे, इसलिए आपको मैंने नहीं दिखाया यहाँ पर, सिर्फ रेजर दिखाया है। बाकी ये रोलन मैं दिखा रही हूँ, रोलन बहुत काम आते हैं, अगर आप शेव करते हैं बिल्कुल भी कटवट मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होती है, एंड रोलन बेस्ट परफ्यूम्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं। देन उसके बाद बॉडी के लिए पूरे बॉडी में मॉइस्चराइजर लगाना है। ऐसे ही सर्दियाँ आती है वैसे ही पता चल जाता है कि भाई आपकी बॉडी फेस को लोशन मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है। ऑलरेडी आपकी स्किन दिखाने लग जाती है कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है, मॉइस्चराइजर लगा लो। ये हमारा बॉडी केयर, हेयर केयर, स्किन केयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया है, यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन बाय बाय।